चलो आ जाओ भाई, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हेडिंग डालो सब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ठीक है, प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर है कि हम लोग संभावना निकालेंगे, क्लियर है कि किसके होने की या ना होने की संभावना कितनी है, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपेरिमेंट करवाओगे तभी आपको पता चलेगा, क्लियर है कि इसके होने की या ना होने की संभावना कितनी है। आई बात समझ में? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक्सपेरिमेंट। एक तो होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या है भाई कि जैसे तुम्हें पहले से ही पता है, क्लियर है, जो हमेशा सही हो, ट्रू हो, जैसे सेवर इवेंट ऐसे बोल सकते हो कि सेवर हो, क्लियर है। जैसे अगर बात किया जाए कि सम ऑफ ट्रेंगल, नंबर ऑफ ट्रेंगल हुज सम इज 180 डिग्री, नंबर ऑफ ट्रेंगल हुज एंगल, द सम ऑफ हुज एंगल इज 180 डिग्री, तो जाहिर सी बात है जितने ट्रेंगल हैं सबके सब का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये फिक्स है, क्लियर है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी निकालना है नहीं, कोई संभावना है नहीं, ये 100% क्या है, ट्रू है। बोलो, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग उसमें निकालेंगे जिसमें जो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होगा, रैंडम होगा। आई बात समझ? रैंडम एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो रैंडम कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे याद करो तुम लोग, हाँ, जैसे अगर एक क्वाइन टॉस करते हो, टॉस अ क्वाइन, अगर एक क्वाइन टॉस करते हो तो जाहिर सी बात है ये रैंडम होगा। रैंडम तुमने मतलब ये एक क्वाइन टॉस किया तो हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। अब हेड आने की भी संभावना कितना है, 50% है, और टेल आने की भी संभावना कितना है भाई, 50% है। अरे बोलो, क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में तो बात ही नहीं करने वाले हैं, जैसे ये हमें पहले से ही पता होता है। जैसे हम लोग आगे चल के जब टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन में तुम्हें पता होता है, बेसिकली पहले ही पढ़ा दिया जाता है कि इतने मोल पे या इतना लीटर लोगे, जैसे एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हो तो इतना एसिड का मिक्सचर रखोगे, इतना बेस का मिक्सचर रखोगे तो जाकर प्रॉपर तुम्हें क्या मिलेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन मिलेगा। तो तुम्हें बेसिकली पहले से ही पता होता है, क्लियर है। लेकिन ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है इसमें तुम्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट तो पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता आएगा क्या। बोलो, रैंडम होता है। आई बात समझ में? अरे क्लियर है। तो जैसे अगर हम लोग एक क्वाइन टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, क्लियर है। जैसे एक डाइस अगर थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बोलो, अरे क्लियर है ना। तो चलो इसमें आगे हम लोग चर्चा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो भाई, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, यहाँ से स्टार्ट करें, सैंपल स्पेस से लिखना, ठीक है। तो हम सिर्फ बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, जिसमें आउटकम्स जो है कुछ भी आ सकता है। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ, उसमें लिखना द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन आर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टर्म एज सैंपल स्पेस। आई बात समझ में? द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं, उनका जो एक सेट होगा उसे क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैंने एक क्वाइन टॉस किया, ठीक है, एक क्वाइन टॉस किया और तुमसे बोला कि सैंपल स्पेस बताओ, तो सैंपल स्पेस को क्या एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे भाई, और सेट को हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। बोलो, तो या तो हो सकता है सर हेड आ जाए या फिर क्या आ जाए भाई, टेल आ जाए, क्लियर है। अब एक काम करने जा रहा हूँ, टू क्वाइन एट अ टाइम टॉस करवा रहा हूँ, टू क्वाइन टॉस एट अ टाइम। बोलो भाई क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस बताएं, हेड और क्या क्या आ सकता है। अरे भाई, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। बोलो, क्लियर है। अब बात करते हैं थ्री क्वाइन अगर एक साथ टॉस करते हैं, टॉस थ्री क्वाइन एट अ टाइम, बोलो भाई क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस बताएं, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। बोलो,
और हाँ बिल्कुल आएगा, क्या क्या टेल टेल हेड भी आएगा बोलो, और टेल हेड टेल भी आएगा, और बोलो टेल 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 दोनों टी टी टी, हाँ ये भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, एक छोड़ रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, एच टी टी, ठीक है एच टी टी, बताओ भाई अब कोई छूट रहा है क्या, अब एक भी नहीं छूट रहा है, यानी टोटल नंबर आप जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, आठ, चार कॉइन टॉस करें तो कितने आएंगे, चार कॉइन टॉस करें 16, अरे भाई ये नहीं समझ पा रहे हो क्या, ऐसे देखो चार कॉइन टॉस करवा रहा हूँ, ठीक है चार कॉइन, तो इसमें दो आ सकते हैं हेड और टेल, इसमें भी दो आ सकते हैं हेड और टेल, इसमें भी दो आ सकते हैं हेड और टेल, इसमें भी दो आ सकते हैं हेड और टेल, जैसे जब दो एक कॉइन टॉस करा रहे थे तो दो आ रहा था, अरे पीएनसी पढ़ लिए हो, ठीक है दो कॉइन टॉस कराएंगे तो कितना आ सकता है चार, तीन कॉइन टॉस कराएंगे तो कितना आ सकता है आठ, सॉरी हाँ आठ, अगर चार करवाएंगे तो कितना आ सकता है 16, आई बात समझ में, तो सैंपल स्पेस बनाना बहुत ही आसान है, बोलो सैंपल स्पेस बना ले जाओगे ना, ठीक है तो आओ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें तुम्हें सैंपल स्पेस बना के बताना है, हाँ हाँ सैंपल स्पेस बनाना है भाई, लिखो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स टू चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड, टू चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड, फाइंड द सैंपल स्पेस, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट, टू दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट, बताएं क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस में, टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, टू बॉयज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स टू चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू इट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट, बोलो भाई, अरे भाई दो बॉयज और तीन गर्ल्स में से हमें कितने को सिलेक्ट करना, दो चिल्ड्रेन को सिलेक्ट, तीन तरीका बस, अरे भाई बस बहुत सही बता रहे हो तुम, बहुत दूर तक जाओगे, अच्छा तुम्हें पता, अरे वो लड़की लड़का भी तो डिफरेंट होगा, लड़का डिफरेंट होगा कि लड़का सेम होगा, तीनों लड़के, दो कितने लड़के हैं, दो, अरे भाई दो ही लड़के हैं तो एक लड़का एक लड़की, अब कौन सा लड़का कौन सा लड़की ये भी तो डिपेंड करेगा सैंपल स्पेस में, तो इसका मतलब है किस में, क्या बी वन और बी टू हैं भाई, बॉयज दो हैं और गर्ल्स कितनी हैं तीन, जी वन जी टू जी थ्री, क्लियर है, अगर मैं बात करूँ दो चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना हो सैंपल स्पेस बनाना है तो सैंपल स्पेस में हो सकता है कि बी वन जी वन आ जाए, बोलो और कौन आ जाए, बी टू जी टू, अरे वैसे ही एक दो तीन चार पाँच, क्लियर है क्या, फाइव सी टू, बोलो पाँच में से दो लोगों को सिलेक्ट करना, फाइव सी टू, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा भाई, फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, कितना आएगा भाई, फाइव इंटू फोर डिवाइड बाई टू, कितना आएगा टेन, तो इसका मतलब क्या टेन आएंगे टोटल, बोलो तो बना लोगे बी वन जी वन, और क्या आएगा, बी वन जी टू बी वन जी थ्री, बोलो अब बी टू बी टू, हाँ बना लेंगे, पहले लड़कियों और लड़कों को एक साथ बैठा हो, ठीक है बी टू जी वन, तो सर ये अच्छी बात नहीं है, हाँ बी टू जी टू बी थ्री सॉरी बी टू जी थ्री बी टू जी थ्री, क्लियर है, अब क्या हो सकता है भाई, एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो ये हो गए, अब क्या जी वन जी टू भी एक साथ हो सकती हैं, क्लियर है जी वन जी टू, और कौन सा आ सकता है भाई, जी टू जी थ्री, बोलो कितने हो गए, जी वन जी थ्री भी हो सकता है, बिल्कुल जी वन जी थ्री भी कितने हो गए, नौ, अभी एक छूट रहा है कौन सा, बी वन बी टू, बोलो बी वन बी टू भी तो हो सकता है, यही टोटल इतने आएंगे भाई सैंपल स्पेस में, बोलो तो पूरी पीएनसी है भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, अगर पीएनसी सीख गए हो तो इसमें कुछ नहीं रखा है फिर,
क्लियर है। चलो आओ दूसरा क्वेश्चन लिखाएं भाई सिंपल स्पेस का। हाँ बना लो इसको, सिंपल स्पेस बनाना सीखें भाई, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस बनाना सीख गए तो प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं रखा है, फिर मेन तुम्हारा है सिंपल स्पेस। आगे बढ़ें, लिखो अ क्वाइन इज टॉस, अ क्वाइन इज टॉस, एक क्वाइन टॉस किया गया। इफ इट सो हेड, अ क्वाइन इज टॉस्ड, इफ इट सो हेड, अगर वो हेड सो करता है, ठीक है, इफ इट सो हेड, बी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, बी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल, कंसिस्टिंग ऑफ थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल। क्लियर है भाई? इफ सो टेल, इफ सो टेल, बी थ्रो अ डाइस, बी थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विद दैट एक्सपेरिमेंट, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना। इसमें थोड़ा ट्री डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है, वो मैं तुम्हें एक बार बनाना सिखा देता हूँ, फिर चाहे जितने ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते चले जाएंगे तो मैं सिंपल स्पेस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ट्री डायग्राम, ठीक है, आओ बना देता हूँ, उसे नाम है ट्री डायग्राम, बस बाकी कुछ है नहीं, आओ समझ लेते हैं वो क्या है। देखो ध्यान से, कह क्या रहा है कि हमने एक क्वाइन को टॉस किया, ठीक है, अगर वो हेड आता है या फिर टेल आएगा, जाहिर सी बात है, अगर हेड आता है तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक बैग रखा हुआ है जिसमें तीन रेड और चार ब्लैक हैं, तीन रेड हैं और चार कितने हैं ब्लैक। अच्छा देखो, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम डिफरेंट मानेंगे, अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो हम सबको क्या मानेंगे, डिफरेंट मानेंगे। तो हो सकता है जब एच आया हो हेड, ठीक है, तो उसके साथ हो सकता है आर वन आया हो, अरे भाई जो हेड आया मैंने बॉल ये गया और बॉल निकाला, ठीक है, और लाके उसके साथ रख दिया, तो हो सकता है आर वन आया हो उसके साथ, और हो क्या सकता है, और क्या हो सकता है, हेड के साथ क्या आया हो आर टू आया हो, और क्या हो सकता है, हेड के साथ आर थ्री आया हो सकता है भाई, क्या आया हो, हाँ अरे भाई एच के साथ क्या आया हो, बी वन, एच के साथ बी टू, एच के साथ बी थ्री। तो यहाँ पे, यहाँ पे ये बनाने से बेटर है, ध्यान से सुनो, हम क्या ले लेंगे, आर वन आर टू आर थ्री बी वन बी टू बी थ्री और बी फोर। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब देखो अगर टेल आया, टेल टेल आया तो क्या थ्रो कर रहे हैं भाई, ये डाइस, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। क्लियर है? तो कहने का मतलब सिंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो क्या आएगा, देखना ध्यान से, अगर हेड आता है तो हो सकता है उसके साथ आर वन आ जाए, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्लियर है? अगर हेड आया तो हो सकता है आर टू आ जाए, बोलो ऐसे क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात तो ये हो गए। अब उसके बाद ये कहानी ख़त्म होगी हेड वाले की, बोलो उसके बाद सिर्फ टेल की कहानी स्टार्ट होगी, बोलो अरे इतने टोटल आउटकम आ सकते हैं ना। अब टेल वाले क्या, टी वन आ सकता है, टी टू आ सकता है, टी थ्री आ सकता है, टी फोर आ सकता है, टी फाइव आ सकता है, टी सिक्स आ सकता है, बोलो। अब देखना यहीं पे क्वेश्चन बढ़ाना स्टार्ट करेगा, वो कहेगा कि हमने क्वाइन टॉस किया, टेल आया, ठीक है, टेल के बाद अगर इवन नंबर आता है तो फिर अनदर डाइस थ्रो कर रहे हैं, बोलो, या फिर अनदर डाइस थ्रो कर रहे हैं, या फिर अनदर क्या थ्रो कर रहे हैं, क्वाइन टॉस कर रहे हैं, बोलो। तो कुछ नहीं करना, ट्री डायग्राम से चलते चलना है, क्लियर, जितना एक्सपेरिमेंट होगा बनाते चले जाएंगे, बोलो। हाँ बताओ, सिंपल स्पेस में टोटल आ सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सात छः तेरह, हाँ हाँ ऐसे लिखेंगे एच आर वन, क्लियर, इसे कामा लगा देना एच आर वन, मतलब अगर हेड आता है तो उसके साथ हो सकता है आर वन आ जाए, हेड आता तो हो सकता है उसके साथ आर टू आ जाए, ये एक आएगा सिंपल स्पेस, बोलो एच आर वन, अरे भाई हेड आएगा तो उसके एसोसिएटेड क्या आर वन, बोलो हेड आया तो आर टू, हेड आया तो आर थ्री, हेड आया तो आर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर। अब अगर टेल आया, अगर टेल आया, इतने टोटल बन सकते हैं ना भाई, बोलो अगर टेल आया तो टेल के साथ वन आ सकता है, टेल के साथ टू आ सकता है, टेल के साथ थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। क्लियर है? लिख लो, तो इतने आएंगे टोटल तेरह।
तो आएंगे टोटल H1, H2, H3, H1, H2, H3, H4, T1, T2, T3, T4, T5, T6, क्लियर है? ये इसमें कामा जरूर लगा देना, इसे H1 डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है? क्योंकि H आ रहा है तो उसके साथ R1 आ सकता है, हेड आ रहा है तो उसके साथ R2 आ सकता है, हेड आ रहा है तो R3 आ सकता है, हेड आ रहा है तो B1 आ सकता है, हेड आ रहा है तो B2 आ सकता है। बोलो भानु, कहाँ देख रहे हो? देखो मगर बोर्ड पर, किताब में मत देखो। नहीं समझ में आ रहा हो, पूछो, बताऊँ? आ रहा है, हाँ बढ़ा लेंगे। जैसे इवन वाले केस में मान लो कि कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है भाई? हेड और टेल, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ सकता है भाई? हेड और टेल, और यहाँ पे क्या आ सकता है? हेड और टेल। बोलो, अब देखना, टेल के साथ, टेल के साथ अगर ऑड आया तो सिर्फ T1 आएगा, क्लियर है? अगर टेल के साथ 1 आया तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो T1 लिख के छोड़ देंगे। अब जैसे ही मैं 2 पे आया, अगर 2 आता है तो उसके साथ फिर एक एक्सपेरिमेंट एसोसिएटेड हो सकता है, हेड आ जाए। बोलो, अरे टी टेल आता है तो बोलो 2 भी आ सकता है, और 2 अगर आ रहा है तो क्या आप टॉस कर रहे हैं? हेड आ सकता है, फिर उसके साथ क्या आ सकता है भाई? टेल भी आ सकता है। बोलो, ऐसे तीन तीन एक्सपेरिमेंट चलेगा और क्या, एक साथ टेल टेल टू हेड, टेल टू टेल। बोलो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो एक क्वेश्चन लिखो, उसका बताओ एक्सपेरिमेंट। लिखे, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ रोलिंग डाई, एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रोलिंग डाई, एक डाइस थ्रो कर रहे हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रोलिंग डाई एंड देन टॉसिंग अ क्वाइन वंस, रोलिंग अ डाई एंड एंड देन टॉसिंग अ क्वाइन वंस, ठीक है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, क्लियर है भाई? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस पर इवन नंबर आ रहा है तो हम क्या थ्रो कर रहे हैं? क्वाइन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, एक डाइस थ्रो किया, ठीक है। अब जैसे उस पर 2-1 आ गया तो भी उसके बाद बात करेंगे कि हेड, मतलब अगर ऑड नंबर आता तो क्या करते हैं, अगर उस पर इवन आ गया तो हम क्या कर रहे हैं उसके बाद? डाई थ्रो, अरे सॉरी, क्वाइन टॉस कर रहे हैं। जैसे 2 आया तो हो सकता है 2 के साथ हेड आ जाए, हो सकता है 2 के साथ टेल आ जाए। 4 आया तो 4 के साथ टेल, 4 के साथ हेड। 6 आया तो 6 के साथ टेल, 6 के साथ हेड। बोलो, हाँ, 6 सैंपल स्पेस आएंगे, क्लियर है? अब इसके बाद, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद लिखो, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अरे भाई तो नहीं लिखवाया क्या? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रोलिंग डाई एंड देन टॉसिंग अ क्वाइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, क्लियर? अगर इवन आता है तो क्या कर रहे हैं भाई? सॉरी, इवन आता है तो क्वाइन टॉस कर रहे हैं ना। अब सेकेंड लिखो, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अ क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, अ क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अरे भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, सिंपल सिंपल से क्या करोगे? इतना PNC पढ़े हो, दिमाग की तो बत्ती जल ही गई होगी। देखो, कुछ नहीं करना, एक बार आओ, दोबारा बता देता हूँ। नहीं, एक बार बताऊंगा मैं, जो कर पा रहे हो करें, जो नहीं समझ पा रहे हो एक बार दोबारा देखें बोर्ड पर। देखो हो क्या रहा है भाई, कह रहा है कि हमने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, तो पहले डाई प्रॉपर थ्रो कर लें, ठीक है। एक डाइस था, हमने क्या किया, उसको थ्रो किया, तो हो सकता है उसमें 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है क्या भाई, 6 आ जाए, क्लियर है? अब उसके बाद अगर इवन आ रहा है तो हम एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं, क्लियर है? तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है 2 टेल आ जाए, क्लियर है? इसमें भी ऐसे हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसमें भी हो सकता है हेड आ जाए और इसमें भी हो सकता है क्या भाई, टेल आ जाए। बोलो, क्लियर है? अब कह रहा है कि अगर ऑड आता है, अगर ऑड आता है तो 2 क्वाइन टॉस कर रहे हैं, अगर ऑड आता है तो 2 क्वाइन टॉस कर रहे हैं, मतलब अगर 1 आता है तो 1 के साथ हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए। बोलो बोलो, अब अगर 3 आता है तो इसके साथ भी 3 खुलेंगे, 4, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर। हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए। बोलो, अब अगर 5 आता है तो इसके भी 4 ऑप्शंस खुलेंगे, सुन लो, हेड हेड, टेल टेल,
टेल हेड, हेड टेल। बोलो बहुत आसान है, कुछ नहीं। अब और सिंपल स्पेस लिखने का तरीका देखते हैं, लिखने का तरीका देखो। सिंपल स्पेस बराबर लिखेंगे, क्लियर है। देखो अगर वन आ रहा है तो वन के साथ हो सकता है, वन के साथ हो सकता है हेड हेड आ जाए, बोलो एक हो गया, ठीक है। हो सकता है वन के साथ टेल टेल आ जाए, बोलो हो सकता है क्या भाई, वन के साथ टेल हेड आ जाए, हो सकता है वन के साथ क्या आ जाए भाई, हेड टेल आ जाए। ये तो वन का काम कंप्लीट हो गया, अगर वन होता है तो ये होगा। अब देखना सेकंड कि अगर टू डाइस में आता है तो टू के साथ या तो भाई हेड आएगा और या तो फिर टेल आएगा, टू का भी काम समाप्त हो गया। अगर थ्री आता है फिर थ्री के साथ वही चार कहानी, फिर फोर के साथ दो कहानी, पांच के साथ चार कहानी, छह के साथ दो कहानी। बोलो प्रॉपर कहानी लिख दो और बता दो सिंपल स्पेस। समझ गए ना, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। 22 आएंगे तो कहाँ, अरे चार चार आठ चार बारह, बारह चार सोलह, सोलह दो अट्ठारह, सही कह रहा अट्ठारह, बोलो नहीं अठारह ही, अच्छा यहाँ चार नहीं दो ही आएंगे भाई। अरे आसान है ट्री डायग्राम, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक और दूंगा इससे थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है। और वो अगर बना ले गए तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं, उम्मीद भी बढ़ेगी तुमसे कि ऐसे क्वेश्चन तुम निपटोगे नहीं, निपटा दोगे। हाँ चलो लिखो लिखो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखें, सब लोग प्रॉपर भाई निकाल के बताओगे, ठीक है। लिखें अ क्वाइन इज टॉस, A coin is toss. If the result is head, a coin is toss. If the result is head, a die is thrown. If the die shows up an even number, हाँ, then the die is thrown again. क्लियर है? अरे बहुत आसान है भाई, जैसे हेड आया तो हाँ बनाओ, हाँ थ्रो अगेन, क्लियर है। What is the simple space of the experiment? What is the simple space of the arrangement? हाँ हाँ सही है, क्षेत्रिक क्षेत्रिक अट्ठारह और तीन इक्कीस और एक एट, एक टेल भी तो आएगा, हाँ हेड टेल, एक एक सिर्फ टेल हो गया, एक टेल को हटा दो। अरे भाई क्वाइन टॉस किए तो हेड और टेल आ सकता है। अब अगर हेड आया, हेड आया तो हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, मतलब हेड के साथ 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि अगर इवन नंबर आता तो फिर एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इवन नंबर जैसे दो के करस्पॉन्डिंग फिर छः आएंगे, तीन के करस्पॉन्डिंग फिर सॉरी चार के करस्पॉन्डिंग फिर छः आएंगे और छः के करस्पॉन्डिंग फिर छः आएंगे। टोटल टोटल बता दूं तुम्हें मैं तो 6 × 12 क्षेत्रिक 18 3 21 3 21 एक 22 आएंगे, 22 हाँ 22 ही आएगा। बताएं क्या, आओ बता लेते हैं, अरे भाई सिंपल सा है, देखो 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 यही है, सुन लो,
देखो सुन लो, तुम लोग का आया? अगर ना आया पूछो। अरे भाई क्वाइन टॉस किए, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। टेल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टेल ही रहेगा। लेकिन अगर हेड आया तो हमने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है। अब डाइस में अगर इवन आया, अगर इवन आया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो फिर एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग भी 6 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बोलो क्लियर है। तो एक तो ये हो गया टेल वाला, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग देखो, एक H1 आएगा, एक H2 H3 आएगा, एक H5 आएगा। मतलब एक तो टेल हो गया, एक हो गया H कामा 1, क्योंकि अगर ऑड आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। और एक या तो फिर भाई H3 हो जाए या फिर एक क्या हो जाए, H5 हो जाए। बोलो ये हो गया। अब बचा कि अगर 2 आता है तो 2 के साथ कितने एसोसिएटेड है, 6। मतलब वही H21, H22, H23, H24, H25, H26, क्लियर है। तो उसके साथ टोटल कितने आएंगे, 6। इसके साथ 6, इसके साथ 6, 18 ये हो गया, 19, 20, 21, 22, 22 आएंगे। बोलो क्लियर है ना। एक और चलो आ जाओ इसमें, हाँ आओ, एक और लिखो। अच्छा अगर दो डाइस को थ्रो करें एक साथ, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बता सकते हो, 36। बोलो आसान है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अरे भाई 6 6, इसमें 6 आ सकता है, इसमें 6 आ सकता है, टोटल कितने आएंगे, 36। एक बार बना लो उसको, एक बार बना लो, ठीक है, एक बार बना लो। बनाने से, अरे बना लो भाई, कह रहा हूँ बना लो, क्वेश्चन पूछूंगा नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, 1 कामा 1, देखो 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6। हाँ एक बार बना लो, उसमें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, कह रहा हूँ बना लो, उसमें कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताना मुझे, एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जैसे 3 आइटम है, आइटम, हाँ आइटम का मतलब तो कोई भी, हाँ चीज़ें हैं, आइटम्स हैं 3, तो उसमें तुम्हें क्या करना है। अच्छा आइटम का मतलब तुम्हारा दिमाग तुरंत वहीं जाता है डैश डैश की तरफ। चलो आ जाओ देखो यहाँ पे, तो 3 ऑब्जेक्ट हैं ऐसे समझ सकते हो, 3 मतलब डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, चाटना है, ठीक है, मतलब, और तुम्हें बताना है डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव, ऐसे बोलना है। हाँ मतलब खराब बोलना है, डिफेक्टिव बोलना है या फिर अनडिफेक्टिव बोलना है, मतलब खराब है या सही है, बस यही बोलना है। तो टोटल कितने सिंपल स्पेस बन सकते हैं, 3 मिठाइयाँ हैं, नहीं हाँ 3C2 जैसे इसने कहा, तो 3C2 मतलब 3, तो मतलब तुमने बोल दिया कि 3 सिंपल स्पेस आ सकते हैं, तो 3 तो यही हो गया, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, तीनों डिफेक्टिव हो जाएँ तीनों। अरे भाई 3 मिठाइयाँ हैं, ठीक है, लिख लो क्वेश्चन ही लिख लो, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, नहीं क्वेश्चन ही लिख लो। इन अ रैंडम सैंपलिंग 3 आइटम्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई। इन अ रैंडम सैंपलिंग 3 आइटम्स, इन अ रैंडम सैंपलिंग 3 आइटम्स, इन अ रैंडम सैंपलिंग 3 आइटम्स, आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट, आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट, each item is tested, each item is tested and classified as defective for D, defective मतलब D बोल सकते हो, defective को small capital D, and non-defective that is capital N. Write the sample space of this experiment, मतलब तुम्हें चाटना है और बताना है कि defective है या undefective है। तो कितने sample space आ सकते हैं total, बोलो कितने, 6 बस, 12 कैसे। अरे भाई हो सकता है एक बंदे ने चाटा तीनों, ठीक है, खाया तीनों बता दिया ना डिफेक्टिव है। अरे भाई डी 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 हो सकता है, बोलो। अरे भाई तीनों क्या हो जाए,
खराब हो जाएं, बोलो तीनों तीनों डिफेक्टिव हो जाएं। हाँ आठ आएंगे टोटल, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे देखो, डिफेक्टिव 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 हो सकता है, डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, बोलो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव हो सकता है आइटम, क्लियर है। एन डी डी भी हो सकता है, बोलो अरे क्लियर है। तो टोटल कितने आएंगे इसे निकाल लो, आठ आएंगे टोटल, लिख लो आठ आएंगे भाई। एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक क्वाइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इधर, एक क्वाइन को मैं टॉस करने जा रहा हूँ और जब तक टॉस करूँगा तब तक कि हेड ना आ जाए, जब तक टॉस करूँगा तब तक कि हेड ना आ जाए, बोलो क्लियर है। तो सर परेशान हो जाएंगे, सर हेड नहीं आएगा, क्लियर है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या सैंपल स्पेस उसका बनाना है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लिखो इसमें, अ क्वाइन इज टॉस, अ क्वाइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम फॉर द फर्स्ट टाइम। अ क्वाइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एक क्वाइन को टॉस करेंगे जब तक हेड फर्स्ट टाइम नहीं आ जाता, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। अ क्वाइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस। फर्स्ट टाइम कहने का मतलब है जब तक कि एक बार हेड ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्वाइन को टॉस करते रहेंगे। तो हो सकता है, देखो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, सुन लो अभी एक इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है भाई। हो सकता है कि पहले ही बार हेड आ जाए, मैंने टॉस किया हेड आ गया। हो सकता है भाई एक बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, बोलो। हो सकता है तीन बार टेल आए उसके बाद हेड आए, सॉरी दो बार टेल आए। हो सकता है तीन बार टेल आए फिर हेड आए, तो ऐसे क्या है कि इनफाइनाइट सेट आएगा भाई, बोले। वो तो टास्क के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है पहली बार में ही हेड पा जाओ, हो सकता है टेल आए फिर हेड आए, हो सकता है टेल आए फिर हेड आए, हो सकता है तीन टेल आए फिर हेड आए, हो सकता है चार टेल आए फिर हेड आए। यही टोटल सिंपल स्पेस होगा भाई, और वो क्या इनफाइनाइट हो सकता है, कोई एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ किस्मत खराब हो उसका, आ ही ना रहा हो बेचारे के, जन्मजात पूरा बीत गया है कि नहीं, हेड नहीं आया। तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्लियर हेड आने की वो क्या है भाई, मतलब इसका जो सिंपल स्पेस बनेगा वो एक इनफाइनाइट सेट आएगा, क्लियर है। अब ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन इसमें पड़ा हुआ है तुम्हारे एक्सरसाइज में, वहां पे ये बोला है कि एक हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब जब तक हम लोग डाइस थ्रो करेंगे तब तक कि सिक्स नहीं आ जाता फर्स्ट टाइम पे, तो क्या क्या हो सकता है भाई। हो सकता है पहली बार में छह आ जाए, बोलो, हो सकता है पहली बार में छह आ जाए, ये हो सकता है। हो सकता है वन आए फिर छः आए, हो सकता है टू आए फिर छः आए, हो सकता है थ्री आए फिर छः आए, फोर आए फिर छः आए, फिर फाइव आए फिर छः आए, फिर छः मतलब फिर रुक ही जाओ, फाइव कमा छः पे फिर रुक जाओ, फिर हो सकता है वन आए फिर छः आए, क्लियर है। तो ये भी क्या होगा, ऐसे इनफाइनाइट जाएगा, तो ऐसे तुम्हें सेट बनाना पड़ेगा प्रॉपर, क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो भी करवाया तुमसे, और ये जो है तुम्हारे उसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, बोलो। हो गया, हाँ तो ये पहला एक्सरसाइज तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। आ जाओ सेकंड में, हेडिंग डाले इवेंट, हाँ खत्म है, सिंपल स्पेस बनाना है। अरे सिंपल स्पेस बनाना सीख ही गए ना, अच्छा आगे हेडिंग डाले इवेंट, इवेंट डालो, इवेंट इवेंट। तुम लोग परेशान थे ना, तुम्हें लग रहा था सर सिलेबस जो है बहुत दूर हमें, तुम लोग बार बार कह रहा था सिलेबस कुछ नहीं होता, सिलेबस खत्म हो जाएगा, हाँ लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे थे। इवेंट हेडिंग डालो, इवेंट क्या होता है, घटना, बोलो घटना होती है ना, क्लियर। उसी सिंपल स्पेस में, उसी सिंपल स्पेस में अगर कोई घटना हो जाए, क्लियर है। तो कहने का मतलब अगर इवेंट को डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करेंगे, एनी सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस इज टर्म एज इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस इज टर्म एज इवेंट। अब जैसे इसके साथ घटना हो गया कि वन आ जाए, ठीक है, जैसे एक डाइस थ्रो किया उसमें वन आने की घटना क्या है, अरे भाई वन आ जाए, बोलो, अरे वन एक घटना ही तो है, दुर्घटना नहीं, एक घटना है वन आना। तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज टर्म एज इवेंट, क्लियर है, बोलो, सबसेट समझते हो ना। चलो चलो हेडिंग डालो टाइप ऑफ इवेंट, इवेंट के टाइप,
घटना कितनी तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब भाई कितने तरीके से कॉमन कर सकते हो, सकता है जैसे एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, तुमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा ये बताओ कि वन से छः आने, वन से छः लगातार आने की क्या घटना है, ठीक है, तो वन से छः तो आना ही है, वन से छः, तो एक लिखें उसमें इवेंट में, पहला टाइप श्योर इवेंट, श्योर, श्योर इवेंट, श्योर, श्योर। अब इसको लिखाऊं कैसे, समझा दूं, श्योर मतलब वो होना ही होना है, वो होना ही होना है, समझा दो ना, देखो वो होना ही होना, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर, जिसकी प्रोबेबिलिटी वन हो। अरे भाई जैसे मैंने तुमसे कहा कि एक डाइस मैंने थ्रो किया, तुमसे बोला ये बताओ कि वन से छः आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वन से छः आने की, अरे भाई श्योर है वन से छः तो आना ही आना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलो, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी वन हो उसे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, बोलो श्योर इवेंट, क्लियर है, अरे क्लियर है भाई। आगे हेडिंग डालो, आगे एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ एक मैंने डाइस थ्रो किया जीरो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल है, बोलो भाई आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है वो, हो ही नहीं सकता। अच्छा ये कैसे आ जाएगा भाई, चलो अब जो सुन लो, अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ध्यान से समझना भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख भी लो अगर तुम लोग चाहते हो तो, क्योंकि एग्जांपल के तो समझाऊंगा और ये क्वेश्चन में प्रॉपर तुमसे पूछा जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हाँ एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली, जैसे देखना क्या हुआ, आओ जैसे मैंने कहा एक डाइस मैंने थ्रो किया तो उसके सिंपल स्पेस में क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बोलो क्लियर है। मैंने कहा एक इवेंट हो रहा है इसी सिंपल स्पेस के अंदर जिसमें सिर्फ सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर, वन थ्री और फाइव, क्या एक इवेंट है ये सिंपल स्पेस का, ठीक है। एक इवन है, एक मैंने दूसरा इवेंट ले लिया ई टू, उसमें क्या किया कि टू फोर सिक्स ले लिया, क्लियर है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से क्या हो भाई, इंडिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बोलो ये दूसरे से क्या हो भाई, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे फर्क बिल्कुल ना डालें, क्लियर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, अरे भाई इवन आने की प्रोबेबिलिटी अलग है और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग है। अब इसी में एक थ्री होता तो एक दूसरे पे डिपेंड होते ना कि उसमें भी थ्री है इसमें भी थ्री है, थ्री गायब करोगे प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, बोलो। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे समझो तुम उस इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे जिसमें इवन इवन इंटरसेक्शन ई टू की वैल्यू कितनी आए, फाइव, कितनी आए भाई, फाइव, E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू क्या है, 5, उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बोलो इनमें कोई इंटरसेक्शन है क्या, अरे है क्या, अब है क्या, नहीं है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बोलो लिख लो, एग्जांपल लिख ले, नहीं भूल जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई कि ये दोनों इवेंट बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ठीक है। तो अगर उन दोनों का जो इवेंट आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन अगर जीरो है, मतलब फाइव है बेसिकली, तो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फाई मतलब कुछ भी नहीं, हाँ इम्पटी सेट बोल सकते हो, अरे फाई वाई इम्पटी सेट होता ना कि एक भी एलिमेंट ना, हाँ समझ गए। चलो आओ एक हेडिंग डाले, एग्जास्टिव इवेंट, एग्जास्टिव इवेंट, एग्जास्टिव इवेंट, बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ एग्जास्टिव इवेंट क्या होता है। देखो एग्जास्टिव इवेंट वो होता है, ध्यान से समझना, जैसे इवन इवेंट है और ई टू हुआ, इवन इवेंट बोला कि इसमें आ रहा है तुम्हारा वन टू थ्री, ध्यान समझना भाई, इसमें क्या आ रहा है वन टू थ्री, और ई टू इवेंट में क्या आ रहा है भाई फोर फाइव सिक्स, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, क्लियर है, कि इवन और ई टू एक दूसरे के क्या है भाई, एग्जास्टिव इवेंट है, क्यों, क्योंकि अगर इवन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री, क्लियर है, ये सब मिला के अगर प्रॉपर सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं, पूरे सैंपल स्पेस अगर कवर कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को उनको क्या बोलेंगे, एग्जास्टिव इवेंट है ये, एक दूसरे के, बोलो एक दूसरे के क्या है, एग्जास्टिव इवेंट। जैसे अगर मैं बात करूं अभी इवन ई टू का, तो एक दूसरे के एग्जास्टिव इवेंट है या नहीं है, क्योंकि जैसे ही इवन यूनियन ई टू लूंगा, क्लियर है, तो दोनों प्रॉपर सिंपल स्पेस कवर कर रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एग्जास्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या हुआ, उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, एक भी कॉमन ऑब्जर्वेशन हो ही ना, बोलो। और एग्जास्टिव कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर दो इवेंट को एग्जॉस्टिव जब बोलेंगे तब दोनों का यूनियन क्या हो भाई, एक सैंपल स्पेस प्रॉपर कवर करे। हो सकता है तीन इवेंट आ जाए E1, E2, E3 और तीनों का यूनियन मिलके क्या बने, सैंपल स्पेस। तो E1, E2, E3 क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे भाई, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट लिख लो, चलो लिखें, क्वेश्चन लिखें। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू बॉयज, क्वेश्चन लिखो, अरे क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, 12th क्लास में इसका 6 नंबर का आना तय है भाई, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे से समझ लोगे, फिर वहाँ पे सिर्फ दो ही थ्योरम बचेंगे तुम्हारे, एक बेस थ्योरम, एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, अगर ये बेसिक क्लियर कर ले जाओगे तो, नहीं फिर वहाँ बेसिक समझाना पड़ेगा। नहीं वो आता ही, हर साल आता, उसमें लीक क्या करना है। अगर लीक करवा सकता तो यहाँ थोड़े ना होता, बाहर पेपर बांट रहा होता, मैं पढ़ाता क्यों है कि नहीं, बच्चों को बुलाता, कहता आओ बेटा एक दिन की क्लास रहेगी, उसे एक दिन की कीमत रखता, कि जितना भी रखता बच्चे देते। अरे भाई अगर प्रॉपर, हाँ बिल्कुल बढ़ जाता, कहाँ से हम करवा दें। अरे मतलब ये कौन सी बात हुई, कोई एम आई टी दे तो संपर्क बनवा सकता है। अच्छा प्रोफेसर किसी संपर्क नहीं रखते हैं, ठीक है, प्रोफेसर वहाँ पे, वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर किसी संपर्क, किसी बच्चे से उनको कोई लेना देना नहीं होता, वो आते हैं और यहाँ तो सुनते हो, वहाँ सुनते ही नहीं है बच्चे, ना प्रोफेसर बच्चों की सुनते हैं, ना बच्चे प्रोफेसर की सुनते हैं, ठीक है। वो ऐसे आएंगे अपना प्रॉपर, जैसे बोलते हैं अभी ऐसे ऐसे आएगा, कहेगा देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर केमिस्ट्री, क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं बोलो, ठीक है ऐसे वाटर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे मन में ही पढ़ते रहते हैं ना, वाटर केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, और वाटर केमिस्ट्री में H+ होता है और OH- होता है, इनका आयनिक प्रोडक्ट ये होता है, तो यही सब है चीज़ें, ठीक है। ऐसे कहेंगे उपला पीछे जो बच्चे पता लगा कोई पबजी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे सो रहे हैं, तो वो बोलते भी नहीं है, ठीक है। मेन होता अटेंडेंस, जब अटेंडेंस का, क्योंकि भाई जो IITian NITian सब बैठे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब सिलेक्टेड रहते हैं, तो वाटर जो तुम पढ़ाओगे वो कहीं और जाके पढ़ लेंगे, अच्छे से यूट्यूब पे देख लेंगे, 10 मिनट में समझ लेंगे, 10 मिनट में सीखे वाटर केमिस्ट्री, है कि नहीं, जाके वहाँ सीख लेंगे। और जब पेपर होता है तो प्रॉपर अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के, तो प्रोफेसर ये सोचते हैं कि अच्छे नंबर आ कैसे रहे इनके, उनको क्या पता कि ये भाई वहाँ से पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, कोई नहीं कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता, बस लास्ट दिन वही एक रात होती है, यही रात अंतिम, वही गाना चलता है सब लोग बजाते, यही रात अंतिम यही रात भारी, ठीक है, वह है ना एक, वही सुनते हैं, उसके बाद लग जाते हैं, वही रात जो है निपटा देते हैं पेपर एक रात में पूरा। भाई साहब यहाँ तक ये नहीं पता होता है कि चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन, मतलब कुछ पता ही नहीं रहता है यहाँ तक। तो मैं गया पेपर देने, तो मुझे पूछा उसने एग्जामिनर ने, मैं लेट गया थोड़ा, सो के लेट उठा गया दौड़ा दौड़ा, तो कह रहा कहाँ से आ रहे हो भाई साहब, कहाँ ऐसे जाते ना, कहाँ घूम रहे, पेपर देने आए और कहाँ। तो कह रहा है कि कौन सा पेपर है यार, मैं सोचा, मैंने कहा मैं थुमन होनी चाहिए आज, ठीक है। तो कह रहा है अरे यार कैसे कैसे लोग, मतलब इसे बोला बेइज्जती किया, कह रहा कैसे कैसे लोग पढ़ते हो, यही नहीं पता मैथ वन है मैथ टू है, भाई साहब मैथ टू का पेपर है आज। तुमने कहा क्या फ़र्क पड़ता, मैथ ही है ना। मैथ वन हो मैथ टू, मैथ मैं पढ़ता था अच्छे से पढ़ता था, तो मैंने कहा मैथ वन हो मैथ टू हो क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मैथ ही तो है, ठीक है। फिर अपना गया पेपर लेके बैठ, अब उसे क्या पता कि भाई मैथ लड़के की अच्छी है, ठीक है। अब उनको ये लगा होगा कि ये पढ़ता ही नहीं होगा, ठीक है। दौड़ा दौड़ा आया, तुरंत मैंने पेपर लिया, तुरंत गया बैठा, तो पूछा उसने, सब हंसने भी लगे। मैंने कहा अभी ग्रेड आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। हाँ तो A+ ग्रेड आता ही था, क्लियर है, क्योंकि मैथ ही अच्छी थी, बाकी तो सब बेकार ही था, उसमें सब में डी बाकी सब में, उसमें कंप्यूटर में तो डी लगा था, वो भी मैं कंफ्यूज था, और उसमें केमिस्ट्री में भी डी लगा था, हाँ वो भी जो केमिस्ट्री था जिसका,
उसका नाम था एनडी पांडे। एनडी पांडे सब लोग बहुत डरते थे। एनडी पांडे नाम अगर सुन लेना तो बच्चे डर जाते थे, जानते हो। वो इतना सीधा सा था, मतलब सीधा सा था ही। तो हुआ क्या कि एक बच्चा गया प्रैक्टिकल चेक करवाने उससे ना, तो कहा कि सर जो है प्रैक्टिकल किया नहीं था, चेक करवाने। मैंने कहा भाई जाओ मत, सीनियर बताएं कि बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो ये बोला अरे यार चेक तो करेगा ही ना। मैंने कहा जाओ। गया, करा सर चेक कर दीजिए। करा अच्छा प्रैक्टिकल लिया ऐसे। करा और बेटा कैसे हो। करा सर बढ़िया। बोला अच्छा कॉपी कल नहीं चेक करवाए। तो कहे कि सर मतलब कल नहीं आया था। अच्छा नहीं आए थे, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है ऐसे लिया कॉपी, ऐसे 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 काट दिया, ठीक है। उसके बाद जीरो दे दिया, ठीक है। उसके बाद कहा ये लो। तो कहे क्या रहा जो लड़का था, सर जीरो काहे दे दिए। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, निकल निकल बाहर। उसको बार 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 देखो तुरंत उसका वो, हाँ उसका जो आई डी कार्ड दे, आई डी कार्ड दे, ठीक है। तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, पिताजी को तुरंत कॉल लगाया। कह रहा भाई साहब आपका लड़का जो एकदम बदतमीज हो गया है, प्रोफेसर सही बात नहीं कर रहा, क्लियर। उसके बाद वहाँ तो कोई खुश था, जैसे जब हम जब होता ना मतलब चढ़ा के तो भेज देते हैं, लेकिन बाहर से देखते रहते हैं कि हो क्या रहा है। तो हम लोग कह यार मतलब कितना अच्छा आदमी है यार, सब सीनियर गलत बताए थे कि मतलब इतना वो इरिटेटेड टाइप है, देखो आराम से चेक कर रहा है, ठीक है। जैसे ही एक लास्ट पॉइंट उसने बोला सर आपने जीरो क्यों दिया, इतने पे तो इतना मतलब इतना बोला उसे, इतना सुनाया, तुरंत फ़ोन भी कर दिया गार्जियन पे, कहा आपका लड़का सिर्फ जो है घूमता रहता, पढ़ता वढ़ता नहीं है, ठीक है, एक नंबर नहीं दूंगा उसको। अब वाइबा भी वही लेते हैं तुरंत, ठीक है। अब वाइबा बैठाया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे पूछ रहा था कि भाई साहब उनका हालत ख़राब हो गया, तुरंत आज जीरो, ठीक है। उसका हर एक उसमें जीरो, हर एक वाइबा में जीरो। बाद में जब उसका वो आया ग्रेड आया तो ई ग्रेड, ठीक है। अब जिसका झगड़ा नहीं हुआ था उसका सबका डी आया था, और जिससे जिससे उसका हो गया था उन सबका ई आया था। और भाई साहब यहाँ पे 20-20 लाख प्लेसमेंटेड लड़के आगे केमिस्ट्री का वो देते हैं, बैक आगे क्लियर करते हैं। वो वहाँ पे से जाएंगे जॉब करते रहेंगे, आएंगे बैक क्लियर करने, बैक नहीं क्लियर हो रही केमिस्ट्री की किसी की। उससे जिसने झगड़ा कर लिया उसको हर साल बैक देने आना है केमिस्ट्री का, हर साल वो पास ही नहीं करता। तो और बताता भी है, कहता मुझसे बोला ही, मैं कहा कि 2017 मैंने खड़ा हुआ, मैंने कहा हाँ सर, तेरा कहाँ हो बेटा। तो मैंने कहा सर पहले दिन क्लास में गया था, तो पहले दिन मुझे डांट दिया। तो मैंने कहा सर मतलब घर पे था। तो बोला बेटा बैक बहुत जल्दी आती है हमारी क्लास में, तो मुझे क्या पता कौन हो। तो मैंने कहा सॉरी सर, से रेगुलर हो जाऊँगा। तो बोला ठीक है अगले बार ध्यान देना। तो मैंने कहा हाँ सर ध्यान देंगे। फिर बैठ गया, बस उतना ही हुआ ही था, मतलब बस बैठ गया। उसके बाद जो है उसे किसी का चेहरा नहीं पहचानता है तो डी लग जाना है, अगर लेकिन पहचानता है उससे थोड़ा सा भी हुआ है तो ई तो लगना तय। इतना खतरनाक था, रुला देता। सीनियर ऐसे आके रोते थे कि भाई हर साल बैग देने आना पड़ता है, ये क्लियर ही नहीं करते। माँ भाई साहब एक थप्पड़ मार दो मर जाएगा वो, इतना बुढ़ा था कि भाई साहब ऐसे हाथ उसके कपते थे। हाँ किसको, अरे उनको कैसे मतलब कैसे मारोगे, गुरु होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ भाई साहब पूरा तुम्हारा भविष्य उनके, पूरा भविष्य जो है उनके हाथ में होता है। नहीं तुम्हें ऐसा लगता है जब तुम बड़े हो जाओगे, अभी क्या लगता है कि मार देंगे ये कर देंगे, जब बड़े हो जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें वो रेस्टिकेट कर सकते हैं कॉलेज से। तुमने प्रोफेसर को मार दिया कॉलेज से रेस्टिकेट, इतना मेहनत करके तुम कॉलेज आए हो, ब्लैक डॉट दे दिए, प्लेसमेंट में ही नहीं बैठ पाओगे, कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, खत्म, करियर खत्म कर सकते हैं वो, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। और एमआईटी आईआईटी एनआईटी का आईआईटी अच्छा चंदर डाल के आईआईटी एनआईटी का अपना अलग लफड़ा होता है। आईआईटी एनआईटी में क्या होता है कि मतलब पेपर तुम्हारा